बारह बारह अट्ठानवे की अगतवाणी हेडिंग यह है, मेरे मेरे का देहाभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं को नहीं, साधारण ब्राह्मण आत्माओं को नहीं, किसको? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को और चारों ओर के ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली। मुखवंशावली है तो जो ब्रह्मा मुख से कहे वह मानना पड़े। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते। जो हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है, स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तिलकधारी का क्या गायन है? कैसे बनते हैं तिलकधारी? चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महान मंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है, और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखाई दिया है, लेकिन वह है विश्व का राजकुमार। भक्ति मार्ग में जिस कृष्ण का गायन है वो कौन सा कृष्ण है? सतयुगी कृष्ण है, सतयुग का राजकुमार है या विश्व का राजकुमार है? पुरुषोत्तम संगम युग का राजकुमार है, विश्व का राजकुमार। वो होने का राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त, फिर भी उसको छोटेपन में नहीं मिलता है। लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं। पैदा हुए और प्राप्त हो जाता है परमात्मा बाप द्वारा, वह तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। किसके द्वारा है? कोई मीडिया बीच में नहीं, परमात्मा बाप द्वारा। तो द्वारा क्या सूक्ष्म? द्वारा सूक्ष्म में कहा जाएगा, द्वारा माना ही थ्रू मीडिया। तो बाप दादा देख रहे थे, कहां से देख रहे थे? हैं? सूक्ष्म वतन की स्टेज से देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? कैसा भाग्य का सितारा? इतना बड़ा भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है
कि कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। कम तो नहीं होती है, ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ हर्षित होता है, ये देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों हो जाती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट देख करके मुस्कुराहते भी हैं, मुस्कुराहट आती है। जब भी किसी से पूछो क्या बनना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी बच्चों का एक ही जवाब होता है, नंबर वन बनना है और सूर्यवंशी बनना है। ऐसे नहीं कोई कहता है हमें चंद्रवंशी बनना है, इस्लामवंशी बनना है, बौद्धवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर वन का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। लक्ष्य बच्चों का सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। सूर्यवंशी माना कभी हार खाने वाला नहीं, सूर्यवंशी माना सदा विजयी। और ये वर्ष कौन सा है, है? विजय वर्ष। इस वर्ष का नाम टाइटल क्या दिया, विजय वर्ष। तो विजय वर्ष के अंदर कहने से ही क्या घुसा हुआ है, नहीं संघर्ष और संघर्ष के बाद विजय। ऐसे नहीं ये संघर्ष क्यों आ गया, ये मेंटल टेंशन क्यों आता है, ये कब तक चलेगा। अरे जब है ही विजय वर्ष, विजय विहार में राजधानी बना रहे हैं, फतेहगढ़ में रह रहे हैं, तो फतेह कैसे होनी है, बिना युद्ध के फतेह हो जाएगी क्या, हो जाएगी। तो लक्ष्य बच्चों का सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर वन सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। क्या एक बार भी हार ना होने पाए, सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती है। कलाएं कम ज्यादा किसकी होती है, सूर्यवंशियों की नहीं होती है, किसकी होती है, चंद्रवंशियों की हो सकती है। उदय होता है सूर्य और अस्त होता है, लेकिन कलाएं कभी कम नहीं कही जाती। सूर्यवंशियों की कलाएं चंद्रवंशी मुआफिक कम नहीं होती है। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है, क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है और कभी जीत होती है। 12-12-98 की अभिवक्तवाणी का दूसरा भेद, चंद्रवंशियों की कभी सफलता मुहूर्त और कभी मेहनत की मूर्ति दिखाई देती है। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना, युद्ध भी करो लेकिन युद्ध युद्ध महसूस भी न हो, चेहरे से दिखाई न पड़े कि ये संघर्ष कर रहा है। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती है, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है क्या बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए, एक तो सदा विजयी और दूसरे सहज विजयी। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर वन बनेंगे, नंबर वार में आ जावेंगे, यही ठीक है क्या।
एक है नंबर वन और दूसरा है नंबर वार। नंबर वार कौन कौन हुए? नहीं, नंबर वन है सूर्यवंशी और नंबर वार है बाकी सब, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, ये सब हो गए नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर वन है वह नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर वन अर्थात फालो ब्रह्मा बाप, कौन से ब्रह्मा को है? कौन से ब्रह्मा को फॉलो करने वाले है? उस ब्रह्मा के पीछे टाइटल क्या लगा है? ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। क्यों कम लगती है फॉलो करने में मेहनत? क्या कारण बताया है? फॉलो करने में मेहनत कब कम लगती है? अव्यक्त हो गया तो फॉलो करने में मेहनत लगेगी, और व्यक्त में साकार में सामने मौजूद है तो मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है, तो पांव पर पांव रख करके चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, वाचा बोल बोलते हो, कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? सिर्फ ब्रह्मा समान नहीं, क्या ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा और मेरा संकल्प उसी प्रमाण है ना? जो बाप का संकल्प, सो बच्चे का संकल्प, हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, न सोचना है, न बोलना है और न करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा हो जाए, तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप ही अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा मंजिल सामने खड़ी है। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना, तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वतन में कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतनवासी हो गए तो क्या करें, हम भी सूक्ष्म वतनवासी हो जाएं देह छोड़ करके? इंतजार कर रहे हैं तो क्या करें हैं? हम भी सूक्ष्म वतनवासी हो जाएं? सूक्ष्म वतनवासी बनने की बात ये नहीं कि हम शरीर ही छोड़ दें, लेकिन बुद्धि से शरीर की स्मृति को त्याग दें। ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता है? सूक्ष्म वतन में आवाज होती है क्या है? वहां तो नहीं होती, तो कहां की बात है? जरूर साकार वतन में उस सूक्ष्म स्टेज की बात है, तो आवाज नहीं सुनाई देती है क्या? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ,
ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता है क्या? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो और कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष को सोचते तो बहुत हैं। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो जावेगा, ये सोच में ज्यादा रहते हैं। ये सोच करना कौन सा चक्कर हो गया है? 99 का चक्कर। तो यह तो नहीं हो जाएगा। कभी सोचते हो होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा का गीत गाते ही रहते। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य जो होगा वो देखने और सुनने का है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। कुछ भी प्रकृति अपना रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, अथवा क्या होगा इसी सोच में लगे हुए हो। तीसरा पेज, क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट रहेंगे व आप सेट हो जाएंगे? ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, यह हो गया, इसी नजारों के समाचारों की में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो जाएंगे? संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को एक रस चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो? कैसे फरिश्ते हैं? ऐसे फरिश्ते हैं जो शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाए हैं? ऐसे बने हो हैं? ऐसे नहीं बताया, ये स्टेज की बात बताई है, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है, और उससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त माना जो आंखों से दिखाई न दे, कर्मेंद्रियों से जिसका अनुभव न कर सके, वो हुआ अव्यक्त। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हम भी ऐसे अव्यक्त बना देना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का, वो संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है? ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। वो शरीर छोड़ करके अव्यक्त क्यों बने? शरीर छोड़ करके अव्यक्त इसलिए बने कि शरीर का जब तक बंधन होता है तो कार्य तीव्र गति से नहीं होता है। लेकिन जिसको बोला गया है इंस्पिरेटिंग पार्टी, एडवांस पार्टी में 3 ग्रुप बताए, तो जो अपना स्थूल शरीर छोड़ करके ही जो आत्मा कार्य कर रही है, वो इंस्पिरेट करने का कार्य कर रही है बच्चों को तीव्र गति देने के लिए, तो वो कार्य करना भी बहुत जरूरी था।
ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने हैं कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको आने जाने में देर लगती है, सूक्ष्म शरीर को आने जाने में देर नहीं लगती। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र करके समाप्ति और संपन्न होना है और संपन्नता करनी है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति कर दें? तो एक ताली बजाएंगे प्रकृति को, और प्रकृति तो तैयार खड़ी है इस बात के लिए, है समाप्ति करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है प्रकृति। कैसी कृति है? प्रकृष्ट, बहुत बलशाली है, भूकंप आएगा बिल्डिंगें सारी गिरने लग पड़ेगी, तो ज्यादा विनाश किससे होगा? भूकंप से। तो प्रकृति तो तैयार खड़ी है, क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 सदा विजयी, क्या चाहे भूकंप आए बिल्डिंग डोलने लगे, लेकिन हिम्मत हारने वाले नहीं। किसी भी प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास है, कि संबंध और संपर्क में आने वाले ब्राह्मण भातियों को ही हिला देते हैं, घबराहट पैदा कर देते हैं। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ डबल लाइट फरिश्ता सदाकाल के लिए नहीं बनने देता है। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? 99 में समाप्ति करें, 2000 में समाप्ति करें, या 2001 में, क्या सोचते हो? ताली बजेगी और 1 सेकंड में बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे? सदा फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे? ऐसे होगा? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उसी समय बनेंगे? पेपर ले ले वे? टीचर्स बताओ, पेपर ले? सब छोड़ना पड़ेगा, क्या है? ये भी साधन हो, वो भी साधन हो, शैंपू न रह जाए, सब छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, क्या चाहे वो मिनी मधुवन वाले हो और चाहे वो ब्रॉड मधुवन वाले हो, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा,
तो सामान सेट करके बैठ गए हो कि हमको देखे कौन हटाता है। सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है, एवर रेडी का मतलब क्या? अभी अभी ताली बजाएं तो अभी अभी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, एवर रेडी। पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें, 12-12-98 के फिर तो आने का चौथा पेज, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है। सोचे कोई क्या कि वहां जाकर के सेटिंग करें, वहां जाकर के थोड़ा ठीक करके आऊं? नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे भी नहीं। तो ऐसे एवर रेडी है, अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, अपना कुछ नहीं। क्या है फिर अपना? है शिव बाबा अपना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, कुछ भी हो जाए, आत्मा से सबसे पहले प्यार होता है, फिर दूसरा प्यार बाप अथवा पति से होता है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बोलो, सोच करके कहो, ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है, दो दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। डायरेक्शन दी, मुख से नहीं दी। ऐसे तैयार होना, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। तो ऐसे करें, हलचल शुरू करें। हाँ करना तो ऐसा है, करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ करके नहीं होगा, तारीख फिक्स नहीं करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ। बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। कहां आ जाओ, ऑर्डर करेंगे, आ जाओ, कहां आ जाओ, हैं? बाप के सन्मुख आ जाओ। तो पूछ करके ऑर्डर नहीं होगा, तारीख फिक्स नहीं करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ। बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, ऐसे कोई सोचने का टाइम मिलता है क्या? आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया जो विश्व कल्याणकारी है, उसकी क्या हद की एरिया होती है? सूर्यवंशी कौन होंगे? सूर्य कभी ये सोचता है कि यहां रोशनी ज्यादा दे दे, वहां रोशनी कम दे दे? ये मेरी एरिया है। तो विश्व कल्याण, ऐसे तैयार होना, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। तो ऐसे करें, हलचल शुरू करें। हाँ करना तो ऐसा है, करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ करके नहीं होगा, तारीख फिक्स नहीं करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे,
आ जाओ, बस उसको कहा जाता है डबल लाइट परीक्षा। कहाँ आ जाओ, ऑर्डर करेंगे आ जाओ, कहाँ आ जाओ, बाप के सम्मुख आ जाओ। तो पूछ करके ऑर्डर नहीं होगा, तारीख फिक्स नहीं करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। उसको कहा जाता है डबल लाइट परीक्षा, ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, ऐसे कोई सोचने का टाइम मिलता है क्या? आजकल के मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया जो विश्व कल्याणकारी है उसकी क्या हद की एरिया होती है? इंजेंसी कौन होंगे? सूर्य कभी ये सोचता है कि यहाँ रोशनी ज्यादा दे दे, वहां रोशनी कम दे दे? ये मेरी एरिया है तो विश्व कल्याणकारी की हद नहीं होती है, ये सब हदें छोड़नी पड़ेंगी। ये भी देह का अभिमान है क्या, कि मैं बंगाली हूँ, मैं तेलुगु हूँ, ये कन्नड़ है? ये देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, ये मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु का प्रसाद है, मेरा नहीं है। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है, ये अभिमान छोड़ना ही समान बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान न देह महान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो, फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म, तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, ब्रह्मा बाप आवाहन कर रहे हैं। क्या आवाहन कर रहे हैं? कि अव्यक्त फरिश्ता स्टेज में सदा समा जाओ। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना, ये तो बहुत सहज है, बाप के लिए बहुत सहज है। क्या समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे वो स्थूल नगाड़ा तो सबको ही बजा सकते हैं। लेकिन कम से कम सतयुग आदि की 9 लाख संख्या रेडी हो जाए। कौन सी जनसंख्या? सतयुग आदि की 9 लाख जनसंख्या के 4.5 लाख, 4.5 लाख और 4.5 लाख, तो कम से कम 108 नंबर वन, चाहे नंबर वार हो, नंबर वार तो बहुत होंगे और नंबर वन तो थोड़े ही होंगे। कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू और 9 लाख नंबर थे, लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं होनी चाहिए,
निगेटिव बात को परिवर्तन करना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। पांचवा पेज, इसलिए हरेक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद का संकल्प, हद के बोल अगर सूक्ष्म में भी समाये हुए हैं तो ठीक नहीं है। तो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है, उसकी निशानी होती है कि समय आने पर वह समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आ जाता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये तो ऐसा है, ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है और ये व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति स्वभावना की हो, देखना है कि बेहद की भावना वाली है मेरी स्थिति या नहीं है। तो अपनी गलती को चेक करो कि मैंने कौन सा वाइब्रेशन फैलाया, मैंने कौन सी वृत्ति बनाई, कैसा संकल्प किया। समझा? बात को नहीं देखो, बातों को बहुत देखते हैं, अपने को देखो। बस 99 में ही अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे, हो जाएंगे। पूछा, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, 99 में सब तैयार हो जाएंगे। एक वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना ऐसे हो गया इसलिए नहीं बने। ये तो होना ही है। क्या क्या होना है? अरे संघर्ष तो आने ही है, पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, तो कर सकेंगे। एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है। 6 मास में तो एवरेडी बनो। अच्छा चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष तो है। हलचल में नहीं आना, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना। बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण इकट्ठा होकर हिलावे, ब्राह्मण ही रुकावट बन करके सामने आ जाए, फिर भी हमें बाप समान बनना है। तो पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका फोटो निकलवाया, हाथ तो सबने उठाई दिए। ये फोटो सभी को भेजेंगे, यहां की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता है, स्थूल में मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल कराई। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ।
तो ऐसे सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। कौन सा अभ्यास बताया? अभी अभी विदेही बनना, अभी अभी साकार में आना। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले पालो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी होकर के देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, उन बच्चों को भी विदेश विशेष याद प्यार। छठा पे दादियों से निमित्त बनने से दुआएं मिलती है, इस बात के निमित्त बनने से दुआएं मिलती है। जो भी ईश्वरीय सेवा दी हुई है श्रीमत प्रमाण, वो श्रीमत प्रमाण ईश्वरीय सेवा करने से दुआएं मिलती हैं जो इसके निमित्त बनते हैं। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं व जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उनों को विशेष दुआओं की लिफ्ट है। लेना चाहें तो वो विशेष दुआओं की लिफ्ट ले सकते हैं। किसकी दुआएं? दीदी दादियां जिनकी सेवा करती हैं, उनकी दुआएं ले सकती हैं। ये हिस्ट्री में जो जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिल जाती। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाले को सभी की नजर उन पर होने के कारण स्व पर भी अटेंशन रहता है, उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने पर स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर है, तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं मिल जाती हैं। अगर निमित्त वाली आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो दुआएं कब मिलती है? निमित्त बने हुओं को दुआएं कब मिलती है? अगर श्रीमत प्रमाण यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिल जाती है। अच्छा, ये रोज हर एक को ड्रिल करनी चाहिए। कौन सी? एक सेकंड में अव्यक्त और एक सेकंड में व्यक्त होने की। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत बिजी है, बीच में समय प्रति समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। दो चार सेकंड भी निकालना चाहिए, इसे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएगा, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहो, तो फिर सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कौन सा अभ्यास? स्टार रूपी आत्मा की स्मृति में टिकना और स्टार स्वरूप साकार में आए हुए बाप को याद करना।
इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो हलचल नहीं होगी। न हलचल करेंगे और न दूसरों को हलचल में लाएंगे, क्योंकि अभ्यास ही हो जाएंगे ना आत्मिक स्थिति के एक सेकंड में न्यारे होने का। तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाए, सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, ये संस्कार सूर्यवंशी नहीं बनने देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही चला जाएगा। अगर विदेही बनने का एक सेकंड का अभ्यास नहीं है तो, और जानबूझकर माया जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में भी कमजोर होंगे, उसी रूप में माया लास्ट पेपर लेगी, माया हिलावेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया, उसकी समझ तो है ना, एक सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेही माना देह से न्यारा हो गया, तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया, सब से न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोगी देगी, सहयोगी बनाएगी और सहयोग मिलेगा। बारह बारह अठानवे की अवैधवाणी का सातवां पेज। ये प्रैक्टिस में कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। कौन सी आदत? निगेटिव संकल्प चलाने की आदत, व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत, देहभान में रहने की पक्की आदत पड़ गई होगी। सबके सामने प्रत्यक्ष होता रहता होगा कि ये देहभान में ज्यादा आते हैं, तो अंत समय में वो अभ्यास देहभान का ही उखड़ जाएगा। आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले मन को एकाग्र करो, तब ही विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष का किया हुआ है ना? किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, जो पुरानी दीदी दादियां हैं, दादाएं हैं, कोई ने कहा हाँ बाबा ने संस्कार डाल दिया है, तो फाउंडेशन पक्का है। 14 वर्ष में मैं आत्मा बिंदी हूं ये बताया गया था, जो फाउंडेशन पक्का होगा। 36-37 से लेकर के 49-50 तक उस समय ये बताया गया था कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, नहीं बताया गया था। तो वो अभ्यास आत्मिक स्थिति का पक्का कहां से होगा? ये तो बाद में मम्मा ने ये पॉइंट निकाला है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मा ज्योति बिंदु है। तो बोला फाउंडेशन पक्का है, आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई होगी। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा को अभी जल्दी जल्दी 108 और 16,000 तैयार करने हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा? साथ ही तो चाहिए ना, कि अकेले ही 16,108 तैयार कर देंगे तो 108 फिर 16,000 फिर 9,00,000। अभी अगर आपको कहें कि 108 है, ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और नेगेटिव से बिल्कुल मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकती हो, बना सकते हो। सिर्फ 108 कह रहे हैं, 99 तक तो 16,000 चाहिए क्या? 9,00,000 तो बन जाएंगे, वो तो प्रजा है। प्रजा बनने वालों को पुरुषार्थ करने की जरूरत उतनी नहीं होती, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है राजयोग की, राजा बनने की, राज परिवार में आने की, राजाई का पुरुषार्थ करने की बड़ी बात है। तो पहले 108 तैयार हो जाएं। आप सोचते हो हम 108 में आएंगे, अब जो कुछ हो उसे निकाल लेना और दादी को कहना कि हम एवर रेडी हैं। हाँ, अपना अपना नाम दे दें, ऑफर करो कि हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छी बात तो है अपना नाम आप ही दे दें, करना जरूर है, एक बारी करना जरूर है। अभी इत्तला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना, फिर ऑर्डर करेंगे। मधुबन वालों को चेंज करेंगे, मधुबन वाले सेंटरों में जाए और सेंटर वाले मधुबन में आए। ज्यादा है मधुबन वालों को कहां बुलाएंगे? सेंटरों में। मधुबन वाले सेंटरों में जाए, सेंटर वाले मधुबन में आए। अपनी अलमारियां खाली कर देना, कोई को ताला नहीं लगाने देंगे। अच्छा, ये भी मजे की बात है ना, ये भी मजे का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है? इधर भी हाव हाव कर रहे होंगे मेरी पोजीशन, तो अभी क्या करना है? काठमांडू, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ते में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। काठमांडू वालों ने आज विशेष याद भेजी है, ऐसा किसी ने कहा। जहां भी सेवा की है वो एक दूसरे अच्छी सेवा है। आरंभ दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुंचना, पहुंचे मैदान में, प्रगति मैदान में पहुंचना, ऐसे नहीं पुरुषार्थ ठहर जाए। ये भी एक अच्छी सेवा की रिजल्ट है। और दिल्ली राजधानी में अभी ऐसे स्थान पर फ्री जमीन लेना। कैसे स्थान पर है? जैसे दिल्ली का प्रगति मैदान बहुत प्रसिद्ध है, तो ये है सेवा की सफलता। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम वाला होना, अर्थात चारों ओर आवाज फैलना। इसीलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराया, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आध्यात्मिक झंडा, आध्यात्मिकता का नाम बाला करने वाला झंडा, कपड़े का झंडा नहीं, कौन सा झंडा? आध्यात्मिक झंडा, आध्यात्मिकता का नाम बाला करने वाला झंडा दिल्ली में ही करना है। कौन सा झंडा है हमारा? हाँ, वो तो शिवलिंग बनाए देते हैं, किरणें फैलाए देते हैं और झंडा बनाए देते हैं, लेकिन वास्तव में झंडा है कौन सा? तीन मूर्तियों का झंडा। वो मूर्तियां मूर्तियां ही होंगी या जानदार होंगी, चैतन्य होंगी या जड़ होंगी? तो उनका नाम बाला करना, अर्थात झंडा ऊंचा उठाना। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम बाला हो जाए, चारों ओर आवाज फैले। इसलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराया है। अभी आध्यात्मिक झंडा दिल्ली में लहराना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि दिल्ली का आवाज टीवी द्वारा या अखबारों द्वारा फैलता है। और साथ साथ जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं, वो यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो निमित्त बनती हैं, उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम्स का नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिल्ली के ऊपर तो बाप दादा की नजर है, बाप दादा की नजर है, बस सारी दुनिया की नजर है।
दिल्ली पर सारे दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अब जो हम प्रयास कर रहे हैं हर देश वाले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आध्यात्मिकता से ही कोई काम हो सकेगा। आखिर में आध्यात्मिकता का झंडा, स्थापना का झंडा लहरी में दिल्ली में लहराया, सेवा का, ऐसे प्रत्यक्षता का झंडा। आध्यात्मिकता ही श्रेष्ठ और आध्यात्मिक आत्माएं वो ही श्रेष्ठ है, ये आवाज फैले। सेवा की, ईश्वरीय सेवा की शुरुआत का झंडा कहां लहराया? आदि में। ऐसे नहीं सिंध हैदराबाद में लहराया या कराची में लहराया या कलकत्ते में लहराया, कहां लहराया? सेवा की जो शुरुआत हुई है वो विशेष सेवा की शुरुआत हुई दिल्ली से, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी। 12/12/98 की अमृतवाणी का 8वां पेज, काठमांडु में भी वहां के महाराजा का प्यार है जनता में, इसलिए महाराजा का आना ये सभी देशवासियों के ऊपर सहज प्रभाव पड़ गया। कहां का महाराजा? नेपाल का महाराजा। और देखा गया है कि नेपाल की धरनी में वहां की निमित्त बनी हुई आत्माएं अच्छी पावरफुल है। कहां की आत्माएं? नेपाल की आत्माएं। और बेहद में, बेहद में एडवांस पार्टी की आत्माएं, नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है। नेपाल ने बहुत अच्छी मेहनत नहीं की है। गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है। गुजरात का अर्थ क्या बताया? हाँ, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई है। सहयोगी बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सफलता अच्छी मिली, इसलिए जो सहयोगी बने तो सहयोगियों को बाप व ड्रामा द्वारा कुछ न कुछ पुण्य का फल मिलता है, इसलिए वो सहयोग आगे चलकर सभी पाते जाएंगे जो सहयोगी होंगे, और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। ये कार्य तो सबसे बड़ा किया, बढ़िया किया, लक्ष्य अच्छा रखा, और हर एक ने अपना जो भी कार्य किया या जो भी कार्य लिया वो बिना खर्चा के, बिना सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से, तन से, आपसी प्यार से किया, उसी में सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। कलकत्ता ने भी हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। एक कलकत्ते में हैं सब छोटे छोटे, लेकिन मेहनत बड़ी अच्छी की है, बहुत हिम्मत रखी, और हिम्मत का फल यज्ञ से विशेष मदद मिली। विशेष मदद कैसे मिली? यज्ञ से। यज्ञ किसे कहते हैं? दीवालों को। ज्ञान यज्ञ, उमंग उत्साह से आकर के काम पूरा ही कर लिया और अच्छा नाम भी हुआ, और योग शिविर में भी अच्छे आए, मेले में भी अच्छे आए। क्या? कौन से मेले में? मेला इकट्ठा होने वाले मेले में है? मेला किसको कहा है? उन मेलों में तो मैले होते हैं। क्यों मैले होते हैं? क्योंकि वो है नदियों और नदियों का मेला। असली मेला कौन सा है? ज्ञान सागर बाप का मेला नदियों के साथ है, और नदियों में सारे पोखरे समाए जाते हैं, सरोवर समाए जाते हैं, कैनाल्स समाए जाती हैं। तो मेले में भी अच्छे अच्छे आए, और सब बातों को न देख समय पर उमंग उत्साह से काम चला ही लिया, काम चल ही गया।
और अच्छा चला, इसलिए उनको छोटे और बड़ा कार्य जो किया है इसलिए उनको विशेष मुबारक हो। तीनों को कलकत्ता में जो छोटे छोटे नए नए निकले हैं उन्होंने कार्य अच्छा किया, मुबारक है। अभी जो भी होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि समय को वरदान मिला।